स्वागत है आप सभी लोग का YouTube चैनल मैथिल आर्ट पे। मैं हूँ सुमन और आज की इस वीडियो में हम कोबर पेंटिंग बनाएंगे और आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से ये डिज़ाइन पूरा बना रही हूँ और कोबर पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पुरैन के पत्ते का डिज़ाइन बना रही हूँ जो कोबर में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये राउंड शेप जो है वो पुरैन के पत्ते के तौर पे ही बनाया जाता है और ये 7 राउंड शेप इस तरीके से बनेंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे। कोबर पेंटिंग जो है वो नए वरवधु के लिए बनाया जाता है और ये मिथिलांचल में जिस रूम में नए वरवधु रहते हैं उस रूम को कोबर घर बोलते हैं और उसी रूम में ये पेंटिंग लगाई जाती है, इसीलिए इस पेंटिंग को कोबर पेंटिंग के नाम से जानते हैं हम लोग। कोबर पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलीय जीव और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है जो आगे आप वीडियो में देखिएगा कि मैं इसमें क्या बना रही हूँ। और इन सभी चीज़ों का जो उद्देश्य होता है बनाना वो ये होता है कि नए वरवधु जो होते हैं उनकी वंश वृद्धि हो, उनकी आने वाली जो लाइफ हो वो सुखी समृद्ध हो, और इसी के लिए ये पेंटिंग बनाई जाती है। इस पेंटिंग में आप ब्लैक कलर का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि काला को कलर को शुभ नहीं मानते हैं, इसलिए ब्लैक कलर नहीं यूज़ करना होता है। आप इसमें और कलर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि येलो, ऑरेंज, पिंक, फिर ग्रीन, ब्लू, ये सारी कलर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड कलर में ही ये पूरा डिज़ाइन बनाऊँगी और बीच में कहीं कहीं पे मैं ग्रीन कलर पत्तों के लिए यूज़ करूँगी। तो आप देखिएगा मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और मैं नीब की मदद से इसे बना रही हूँ। अगर आपको नीब चलाने में नहीं होता है, नीब आपको नहीं होता है नीब से बनाने में कोई भी डिज़ाइन, तो आप नीब की जगह जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं। आप रेड कलर के जेल पेन को लेके भी इस पेंटिंग को बना सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइट पेपर के ऊपर ये ड्राइंग बना रही हूँ जिसपे मैंने बाद में येलो कलर किया है। आप चाहें तो आप कलरफुल पेपर भी यूज कर सकते हैं, मार्केट में मिलती है अलग कलर के पेपर भी, आप उस पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। कितने लोग सफ़ेद पेपर पे ही बना लेते हैं, कुछ लोग को सफ़ेद भी अच्छी नहीं लगती है, तो वहाँ पर येलो कलर मैंने इसलिए यूज़ किया है। तो मधुबनी पेंटिंग जो होती है वो पूरी भरी हुई रहती है, कहीं से खाली नहीं होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो ये सेंटर का डिज़ाइन बना रही हूँ बीच में, मैं उसको पूरा इस तरीके से भर दूँगी और कहीं भी गैप नहीं छोड़ूँगी जिससे कि खाली खाली लगे और अच्छा नहीं लगे। तो मैंने यहाँ पे हल्की सी पेंसिल से पहले से ही डिज़ाइन बना लिया है क्योंकि इससे इजी होगी आपको बनाने में। तो जब आप कोबर पेंटिंग बनाएं तो पहले उस पर डिज़ाइन बना लें और कौन सी चीज़ें कहाँ बनानी है आप उस तरीके से आप उसे वहाँ बना सकते हैं, और जिससे कि ये देखने में भी पूरा पेंटिंग बनने के बाद अच्छी लगेगी। तो पहले आप पेंसिल से या कोई चीज़ से ड्रॉ कर लें, इसके बाद ही कलर का यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं कमल के फूल की जैसे यहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ और यहाँ डबल लाइन मैं कर रही हूँ। डबल लाइन जो होती है वो मधुबनी पेंटिंग को और भी खूबसूरत बनाती है और भी निखारती है, इसलिए डबल लाइन ज़रूरी है। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल लाइन पे ही आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और इस तरह से मैं दोहरी कचनी कर रही हूँ यहाँ पर और मैं पूरा इसी तरह से फिल करूँगी। मैं कहीं पर भी कलर नहीं कर रही हूँ, ये इस तरीके से मैं कचनी करते हुए डिज़ाइन बना रही हूँ क्योंकि इससे पेंटिंग और भी खूबसूरत लगेगी। अब यहाँ पे सेंटर बन गई है तो मैं 3 डिज़ाइन जो है वो इस साइड और 3 डिज़ाइन उस साइड बनाऊँगी, और ये सारी डिज़ाइन सेम है इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि आप देख ही सकते सारे डिज़ाइन सेम है। तो 7 इस तरीके से पुरैन के पत्ते बन गए हैं और ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे मैं इस तरीके से इसके फेस बना रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं अभी तोता का डिज़ाइन बना रही हूँ इस तरीके से। और ये डिज़ाइन मैं दोनों साइड बनाऊंगी, एक साइड अभी इधर से मैं बना रही हूँ, फिर उधर से भी सेम यही डिज़ाइन मैं बनाऊंगी। तो भी सेम डिज़ाइन मैंने उधर भी बना लिया है। अब यहाँ पे मैं सूर्य का डिज़ाइन बना रही हूँ, भगवान सूर्य का। तो यहाँ पे मैं राउंड से बना के इस तरीके से बीच में मैं उसके आंखें फेस का पूरा डिज़ाइन बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं रेड कलर ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो आंख के लिए ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रेड कलर में ही सोचा इस पेंटिंग को पूरा कंप्लीट करूँ, इसलिए मैंने पूरा इस डिज़ाइन को रेड कलर में ही बनाया है। और मैंने एक और पेंटिंग वीडियो बनाई हुई है कोवर के ऊपर, जिसमें मैंने अलग कलर यूज़ की है और उसकी डिज़ाइन भी अलग है, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं चांद का डिज़ाइन बना रही हूँ। चांद का डिज़ाइन जो होता है वो सूर्य के डिज़ाइन जैसा ही बनता है, बस उसमें कुछ हल्का चेंज रहता है। आप देखिएगा मैं किस तरीके से बस बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से नवग्रह बना रही हूँ। कोवर पेंटिंग में मद नवग्रह का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, नवग्रह भी बहुत ही ज़रूरी होता है बनाना, तो मैं उसे बना रही हूँ। यहाँ पे 9 लाइन में इस तरीके से बनाऊँगी और फिर उसमें थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 9 लाइन बनाई हुई है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं मछली का डिज़ाइन बना रही हूँ और यहाँ पे मैं जोड़ा मछली का डिज़ाइन यानी दो मछली का डिज़ाइन बना रही हूँ। और आप चाहें तो सिंगल मछली, एक मछली भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं कछुआ का डिज़ाइन बना रही हूँ। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है, आप बस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको ये डिज़ाइन बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी और आप इसे तुरंत बना पाइएगा। तो इस तरीके से मैं सिंपल सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सांपों का जोड़ा का डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहे तो एक भी बना सकते हैं, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें मैं बना रही हूँ इस पेंटिंग में, कवर पेंटिंग में, वो सारी बहुत ही ज़रूरी होती है बनाना। वो सारी डिज़ाइन इस पेंटिंग में बनाई जाती है, उसके कुछ अच्छे पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। पहले टाइम से ही इस चीज़ों को बनाया जाता है, तो आप इन सारी चीज़ों को बनाइएगा अगर आप कोवर पेंटिंग बना रहे हैं तो। अभी मैं यहाँ पे बिच्छू का डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इस तरीके से बिच्छू का मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। और यहाँ अब मैं केकड़े का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे शंख का डिज़ाइन बना रही हूँ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। तो अब यहाँ पे मैं माता गौरी और भगवान शिव की पेंटिंग बनाऊंगी इस तरीके से। Thank you.
अभी मैं यहाँ पे बेल के पेड़ बना रही हूँ। पूरा जितना भी एरिया भी छोटा होगा उस सारे एरिया में मैं इस तरीके से इस डिज़ाइन को बना के उसे फिल कर दूंगी, भर दूंगी, जिससे कि पेंटिंग जहाँ खाली छूट गई है वो जगह पूरी भरी हुई लगे और जिससे कि पूरी पेंटिंग दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो मैं इस तरीके से डिज़ाइन बना के मैं अपने पूरा कवर कर दिया है एरिया को, जो एरिया खाली था। और यहाँ पे पत्तों के लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ बेल का जो है फूट है उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ किया है। यहाँ पे अब मैं बांस का पेड़ बना रही हूँ। बांस का पेड़ जो होता है वो वंश वृद्धि के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड में मैं बांस का पेड़ बना रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। और यहाँ पे मैं बीच में रेड कलर यूज़ कर रही हूँ और साइड में जो होगा उसको मैं ग्रीन कलर से मैं करूँगी। अभी मैं यहाँ पे केले का पेड़ बना रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे भी जो मेन डिज़ाइन है वो सारी डिज़ाइन मैं रेड कलर में करूँगी और फिर बीच में जो पत्ते को भरना रहेगा तो वहाँ पे मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं मोर का डिज़ाइन बना रही हूँ इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि गौरी पूजा करते हुए ये डिज़ाइन बनेगी जिसमें दुल्हन जो है वो गौरी पूजा कर रही है। इस तरीके से दिखाते हुए डिज़ाइन बनाना है। और जो भी चीज़ें मैंने इस ओवर पेंटिंग में बनाई है वो सारी चीज़ें इसमें बनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि उन सभी चीज़ों का एक अलग महत्व होता है और अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है, जिससे कि आने वाली जो लाइफ हो बर्बाद की वो अच्छी हो, खुशहाल हो। इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। उनकी पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं वो इन लोगों को मिले आशीर्वाद के तौर पे।
तो यहाँ पे मैं इस तरीके से हाथी का डिज़ाइन बना रही हूँ। यहाँ पे अभी ये एरिया छूट गया था और यहाँ पे आप चाहें तो फूल पत्ती भी बना सकते हैं, कोई और डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं ये अखंड सौभाग्यवती लिख दूँ, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो पेंटिंग मैं बना रही हूँ किसी शादी के लिए ही बना रही हूँ, तो उसको ध्यान में रख के मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर और डिज़ाइन भी देखना चाहते हैं तो और भी एक मैंने बनाया है, वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।